సిద్దిపేట జిల్లాలోని 18,000 వలస కార్మికులను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుందన్నారు మంత్రి హరీష్రావు. సిద్దిపేట పట్టణంలోని వలస కార్మికులకు ఆయన 12 కిలోల బియ్యంతో పాటు 500 రూపాయలను పంపిణీ చేశారు. వలస కార్మికులు ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, ఏ సమస్య వచ్చినా చెప్పాలని మంత్రి హరీష్రావు కోరారు. ये कोरोना एक नया वायरस जो आके पूरा देश में, दुनिया में पूरा परेशानी में है, लेकिन इसमें ज्यादा चिंता करने का जरूरत भी नहीं है. बस आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए थोड़ी दिन सबर से, जो दिल्ली में सरकार, राज्य में जो सरकार बोलते हैं आ रहे हैं, उसको आप लोग अमल करें तो कोरोना से अपन बाहर जाते हैं. हम तेलंगाना के सरकार के तरफ से आपको भरोसा देना चाहते हैं. आप सब लोगों को एक एक आदमी को 12 किलो चावल और 500 रुपए भी दे. अभी भी थोड़े लोगों को कम पड़े, जिले में और भी थोड़े लोग बचे हुए हैं, उन लोगों को भी दिलाना बोल के हमारे ज्वाइंट कलेक्टर साहब मुझे बता रहे. अभी तक सिद्दीपेट जिले में दूसरे राज्यों से आए सो कूली जो लेबर लोग है, 10,000 लोगों को अभी तक हम चावल दिए, पैसे भी दे चुके हैं. अभी एक 8,000 लोग बचे हुए हैं, उन लोगों को भी सरकार से मंजूर दिलाया तो बाकी लोगों को भी हम दे देंगे पूरे जिले में बोल के ज्वाइंट कलेक्टर साहब बोल रहे. जल्द से जल्द वो भी हम अपने जिले के लिए सैंक्शन करवाएंगे.